जिला अस्पताल में बनी पानी की टंकी कभी भी हो सकती है धराशायी। जिला अस्पताल में प्रतिदिन इलाज के लिए आए सैकड़ों मरीजों और उनके तीमारदारों के ऊपर खतरा मंडरा रहा है। आपको बता दें कि इस अस्पताल में एक ऐसी पानी की टंकी है जो जर्जर हो चुकी है। ये टंकी कभी भी गिरकर धराशायी हो सकती है और इस जर्जर पानी की टंकी के बगल में ही बच्चों का NRC वार्ड है, जहां कुपोषित बच्चों को इलाज होता है। उस वार्ड में आधा दर्जन बच्चे हमेशा भर्ती रहते हैं। अगर ये पानी की टंकी अचानक से धराशायी हुई तो बड़े हादसे में भी इनकार नहीं किया जा सकता है। इस स्थिति में जिला अस्पताल प्रशासन ने जिम्मेदार अधिकारियों को अवगत भी कराया, लेकिन अभी तक किसी भी तरह की कोई सुनवाई नहीं हुई है। सर, कुछ एक तो टंकी है और उसके आसपास कुछ हमारी पुरानी बिल्डिंगें चल रही हैं, जिनकी लिखा पढ़ी करते हुए हमने सूचना जो है DG साहब को दी है, उधर से शासन को हुई है। अब ये टंकी तो ऐसे लग रहा है कभी भी गिर सकती है। इसके लिए एक महीने पहले हमने यहाँ के इंजीनियर साहब हैं जो स्वास्थ्य विभाग को देखते हैं, मिस्टर कुलशेखर साहब, उनको भी बुलाया था, वो देख गए कई बार, लेकिन अभी उन्होंने भी कोई कार्रवाई नहीं की है। सर, ऐसा लगता है गिर गई तो सर जान माल की हानि हो सकती है। कितने दिन से आप ये प्रक्रिया पूरी अपना रहे हैं? पूरी प्रक्रिया डिमोलिशन की तो 4 साल से चल रही है, लेकिन टंकी अब ऐसा लग रहा है कभी भी गिर सकती है। पास में ये हमारे कुछ बार्ड्स हैं, उस पर गिर गई तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा सर। इसके लिए हमने इंजीनियर साहब को बुलाया है, वो देख के तो जा चुके हैं, करा कुछ नहीं है उन्होंने अभी तक। बड़ा हादसे को मौका दे रही है। यस, ऐसे ही लगता है सर, गिर गई तो काफ़ी लोगों की जान मान की हानि हो सकती है। सर, जो हम कर सकते हैं लखनऊ लिख के भेज दिया सर, इंजीनियर साहब को बता दिया हमने।